हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीनट कोकोनट की यमी चटनी। बहुत ही इजी रेसिपी है गाइस, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप पीनट्स, 1 कप फ्रेश ग्रेट किया हुआ नारियल, थोड़ी सी हींग, नमक आपके स्वाद अनुसार, तड़के के लिए राई और लाल मिर्च, साथ में जाएगा थोड़े से करी पत्ते, 6 से 7 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, और थोड़ा सा जाएगा इमली खटास के लिए, और साथ में लगेगा 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल के। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऑयल ऐड कर लिया है। अब इसमें जाएगा लहसुन, मिर्ची, अदरक और थोड़े से करी पत्ते, और आधे करी पत्ते हम तड़के के लिए बचा के रख लेते हैं। इसे 6 से 7 सेकंड भून लीजिए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा हींग। अब इसे भी थोड़ा सा चला लीजिए, और इसके बाद ही तुरंत मैं ऐड कर लूंगी हमारे पीनट्स, बादाम। अब इसे तब तक भूनना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए और ये चटकना ना शुरू हो जाए। जैसे पीनट फटने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब कि आपके पीनट्स भुन चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पीनट्स यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं, भुन चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी हमारा फ्रेश ग्रेट किया हुआ नारियल। अब इसे भी हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम ही रखिए, नहीं तो नारियल नीचे से जल जाएगा। तो यहाँ हमारा नारियल और पीनट्स अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में ठंडा कर लीजिए निकाल कर। हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है नारियल और पीनट्स। अब इसे हम मिक्सिंग जार में निकाल लेते हैं और इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा इमली। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, आपको कितना पतला और कितना थिक चाहिए। अब इसमें ऐड करूंगी नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारी चटनी यहाँ पीस कर रेडी है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, आपको अगर और पतला चाहिए तो आप इसमें और थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ तड़के की तैयारी करते हैं। हमारा पैन गरम हो चुका है। अब इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच राई के, सरसों के। अब इसमें मैं डालूंगी 1 लाल मिर्च। अब इसमें थोड़ा सा करी पत्ते डालूंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे राई चटकना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हींग ऐड कर लूंगी, और यहाँ हमारा तड़का रेडी है चटनी में जाने के लिए। अब इसे हम चटनी में डाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा तड़का लग चुका है चटनी में, और रेडी है हमारा पीनट कोकोनट चटनी। आप इसे इडली के साथ खाइए, वड़ा, डोसा, पराठे, चपाती, ये सब के साथ ही बहुत यमी लगता है। तो आप घर पर ज़रूर इसे बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।